जेवर में श्री राधा बल्लभ मंदिर परिसर में श्री राधा रानी जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था और मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया था, जिसमें उपस्थित महिलाओं द्वारा संकीर्तन किया गया और मंगल गीत गाए गए। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों को मंदिर के महंत श्री राधे बाबा ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद दिया। सभी क्षेत्रवासियों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राधा जी का जन्मदिन है और ये राधा कृष्ण मंदिर है जहां मैं मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं संकीर्तन चल रहा है। बाबा की ऐसी इच्छा थी कि एक वीडियो आज इस मंदिर की बने, तो मैं आज आ गया हूं राधा कृष्ण मंदिर पे। सभी माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर। बाबा जी प्रणाम, राधा अष्टमी की आपको शुभकामनाएं। जय हो। अब भाई मैं कहने को तुम रही तो क्या कहूँ, कह तो पाऊंगा जीरो ही, लेकिन भगवान कृपा बरसाने वाली कृपा, आज बरसाने वाली का जन्म बधाई। अच्छा, तो हम सारे विश्व में मनाया जा रहा है और बरसाने की तो कहने ही क्या है, बरसाने की लीला। ये यहाँ भाई जी ने 60 सालों से ये मंदिर बनाया, राधा वल्लभ जी का मंदिर बनाया, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े, और फिर हमने ये किशोरी जी का जन्म उत्सव आज बड़े धूमधाम से इन सखियों के द्वारा, ये हमारी राधा जी की सेचरी है सखियों के द्वारा ये मना जा रहा है। राधा रानी की जय। तो ये सभी राधा रानी की सेचरी बैठी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं भजन कीर्तन चल रहा है। कैसा चल रहा है पूरा राधा रानी का जन्म दिवस? बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा, आनंद आ रहा है। तो राधा रानी का रंग बरस रहा है, सभी माताएं बहने यहाँ पर उपस्थित हैं। राधे राधे, मैं कहना चाहती हूँ कि ये राधे बाबा का मंदिर ही बरसाने है हमारे लिए, तो किसी ने नहीं दिया, वो राधा रानी ने दे दिया। राधा रानी का सच्चा दरबार है, ये समझो कि यही बरसाना आ गया। वृषभान की दुलारी हमारी प्यारी राधा रानी। राधे 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 राधे। तो राधे राधे की आवाज, राधे रानी का जो मंत्र है वो पवित्र मंत्र है, तो यहीं पर आज बरसाना है, यहीं पे आज संकीर्तन होगा और जब तक चलेगा उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। बोलो राधा रानी की जय। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को प्रसाद स्वरूप चूड़ियां और मेहंदी वितरित की गई तथा कार्यक्रम के अंत में भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। तो आप देख सकते हैं चूड़ी पार्टी जा रही है आज प्रसाद स्वरूप में। राधा रानी के जन्मदिन के अवसर पर सभी माता बहनों को चूड़ियां वितरित की जा रही हैं। इसके बाद में जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता रहेगा, प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम होगा। अब चूड़ी के बाद में मेहंदी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, मेहंदी बांटी जा रही है। तो ये सभी प्रसाद स्वरूप मेहंदी चूड़ियां आदि वितरित की जा रही हैं। मंदिर के महंत श्री राधे बाबा द्वारा मंदिर को गुब्बारों और फूलों के साथ सुंदरता से सजाया गया था तथा राधे बाबा राधा रानी की भक्ति में भाव विभोर होकर नाचते झूमते नजर आए। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।